पीस मिल लेंगे। टायर जो को हम तो दादू चौड़ाई में भी बहुत फर्क है, जो 285 ही बोल रहा। भारत में हमेशा जो मैं साथ देती है वो है 265, ये थोड़ी पतली। जी सत श्री अकाल जी, गुड मॉर्निंग। आज क्या हुआ है जी, मेरी जो गाड़ी है उसका जो टायर था जी वो ब्लास्ट हो गया है, जस्ट बिकॉज ऑफ केयरलेसनेस। और वो भी जी मेरी केयरलेसनेस नहीं, लोगों की केयरलेसनेस, जिसकी वजह से उन्होंने क्या किया ना, देखो पॉट सीट थी किसी के घर की, वो उसने उठा के बाहर फेंक दी, वो टूट गई, उसके छोटे छोटे टुकड़े हो गए, और वो उनमें से एक टुकड़ा जो है वो ये गाड़ी के टायर को चीरता हुआ चला गया। अब वो गाड़ी का जो टायर चीरा उसने, तो ये अब एक टायर गया तो जी सारे चले गए धीरे धीरे करके, क्योंकि अगर मान लो एक टायर नया लगवाया जाएगा तो तब तक जी बाकी जो है वो पुराने हो जाएंगे, मतलब जब तक बाकी पुराने होंगे खराब होंगे तब तक जो मेरा एक नया टायर है वो भी चला जाएगा। और जी इस बार जो था मेरा मन था गाड़ी के टायर थोड़े मॉडिफाई कराने का, अलग से लगवाने का। काफ़ी लोगों ने बोला जी एवरेज कम हो जाएगी जो भी है, क्योंकि मेरी जो गाड़ी एवरेज दे रही है वो दे रही है जी नॉर्मली 17 का एवरेज, क्योंकि मैं जी बहुत तमीज से गाड़ी चलाता हूँ, मैं फालतू गाड़ी भगाता ही नहीं हूँ। तो अभी मेरे मन में तो यही है कि जी अगर 17 से थोड़ा कम होगा तो जी कंपनी 15 क्लेम करते कोई दिक्कत नहीं, 15 पे चला लेंगे यार, फील तो आनी चाहिए, पता तो चलना चाहिए जी थार है। तो कल जो है मेरी गाड़ी में नए टायर लगने वाले हैं, क्योंकि फाइनली मेरा दिन आ गया है कि मैं नए टायर लगवाने वाला हूँ। बट द थिंग इज जी बीइंग अ मिडिल क्लास फैमिली चाइल्ड, मेरे लिए ये बहुत बड़ी चीज़ है कि मैं अपने बेस पे जी पहले तो एक गाड़ी लेकर आया और दूसरा जी अब मैं उसके टायर बदलवाने वाला हूँ, तो एक अंदर से ना अच्छी वाली फील आती है। और मैं घर से बाहर निकला हूँ किस लिए कि जो पुराने टायर है मैं उसको जो है एक बार और अच्छे से चला लूँ। और अभी भी जी क्या है, मैं अपने जो गाड़ी के टायर है मैं वो किसी को बेच नहीं रहा हूँ, मैं किसी को दे नहीं रहा हूँ, मैं वो चारों टायर जो है वो अपने घर में रखूंगा, दो दो के पैर में उसको मैं एक सीट की तरह बनाऊंगा, क्योंकि ये मेरी जो पहली गाड़ी कह लो या पहली कमाई की गाड़ी कह लो ये वो है। तो मैं इसकी कोई भी चीज ऐसे नहीं जाने दूंगा, क्योंकि जब छोटे थे ना तो सपना होता है जी ऐसी गाड़ी चलाने का, अपने बेस पे गाड़ी लेने का, क्योंकि हम ऐसे जी अमीर परिवार से तो है नहीं कि जी पापा ने दिलवा दी, पापा की हैसियत में जितना था उन्होंने उससे ऊपर ही किया है। तो हम जो है हम यही चाहते हैं कि जो अब हम करें वो और उससे बेटर करें, जहां हमारे पिताजी ने हमें कहां से लाकर एक मिडिल क्लास फैमिली पे खड़ा किया, तो हम उसको अपर मिडिल क्लास पे लेके जाएं। एक चीज और है, जब चीजें आप अपने दम पे लेनी शुरू करते हो ना, उस दिन तुम्हारी आंखों में तो चमक होती होती है, जो तुम्हारे बाप की आंखों में चमक होती है ना ये वो मैंने देखी है। खुद कुछ अचीव किया और जब चीजें ली खुद के दम पर, तो ये सब चीजें जो है ये आपको मोटिवेट करती हैं और बेटर करने के लिए, कि जो अभी है वो तो हमारा है ही है, जो नहीं भी है वो भी हमें अपने हक में करना है। वो टाइम आ गया है कि मैं निकल रहा हूँ अब घर से टायर बदलवाने के लिए, और पुराने टायर जो है जी मैं रख के ले आऊंगा पीछे, नहीं तो जी किसी रेड़े पे। अब एक्साइटमेंट जी फुल ऑन है, तब से रिसर्च कर रहा था कौन से टायर लगवाने चाहिए कौन से नहीं, एक पसंद एक और ऊपर लेवल के भी आए थे बट जी इतना बजट नहीं था अभी लगवाने का, क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली है जी, धीरे धीरे ही करके बढ़ेंगे। तो अगली बार जब कभी हुआ जरूरत पड़ी तब तक हमने गाड़ी ना बेची तो जी अगली बार वही वाले लगवाएंगे, मन में है विश्वास जी, पूरा है विश्वास। जी आप लोग को एक बार दिखा देता हूँ जो पुराने वाला टायर था वो कहाँ से फटा था, क्या दिक्कत रही थी, क्योंकि टायर जो होते हैं जी पंचर होने के बाद भी जुड़ जाते हैं, बट ये जो है ये जो सीन है नहीं जुड़ पाएगा। ये जी भाई ने बिल्कुल साफ कर दिया, कल ही मैंने इसको ठीक कराया था भाई। कहाँ है जी इसका टायर, कहाँ से फटा था ये देखो जी, ये यहाँ से ये कट लगा था जी, और ये कट है जी 75,000 रुपये का। आ गए हैं जी हम अपने अजीब से जानवर को पिक करने, पहुंचने वाले हैं जी बस उसके घर के बाहर। ये है जी, हम जिसको पहले गेट नहीं खोलेंगे, थोड़ी बेइज्जती फील करवाएंगे जिसके लायक है ऐसे, अब खोलेंगे। मैं घर से निकला अपने और टायर लगवाने जा ही रहा था, तो इसी हम जो लड़के होते हैं जी घर के, ये होती है जी अनपेड लेबर, तो एकदम से आए घर से निकल के कि भाई ये सामान पहले पकड़ा के जाना ड्राई क्लीनर को, भाई कोई बात नहीं पकड़ा देंगे, अब हम नहीं करेंगे तो और कौन करेगा। अब हमारा कोई छोटा भाई तो है नहीं, जो है वो हमारे साथ ही है, क्यों भाई अब उससे छोटा है तो सबसे ही छोटा है, हेलो कर दो। हेलो।
हेलो। सर ये जी बहुत प्यारा बच्चा है, बहुत ही क्यूट बच्चा है, इसने मेरे को एक बार पावर बैंक दिया था, तो आज कहने लगा भैया आपको मेरे पावर बैंक का वास्ता, मुझे भी लेके चलो। भैया चलो। तो अभी जी ड्राइविंग करते हुए ऐसी फील आ रही है, इतना मज़ा आ रहा है कि लास्ट टाइम मैं इन वाले टायर्स के साथ गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँ, और उसके बाद जी एकदम से जी नए टायर लगवा लूँगा, और उसके बाद तो जी मज़े ही मज़े फिर। तो अभी जो लड़के होते हैं जी, उनके साथ क्या सीन होता है, वो अपनी बाइक से या अपनी गाड़ी से अलग ही प्यार करते हैं, तो मुझे भी जी उतना ही प्यार है अपनी गाड़ी से, क्योंकि यार देखो बीइंग अ सीए स्टूडेंट हमने किसी कॉलेज वॉलेज के मजे तो लिए नहीं होते, तो हम क्या करते हैं जी घूमने फिरने पे ध्यान देते हैं, इसके बाद तब तक जी आधी उम्र जो है वो निकल चुकी होती है, तो बस इन्हीं चीज़ों में जी हमें खुशियाँ मिल जाती हैं, हम यही करते हैं। क्यों गौतम जी, आप कॉलेज कितने दिन गए हो? एक दिन गए, बेचारे जा ही नहीं पाए, क्योंकि जाके भी कुछ उखाड़ नहीं पा रहे हैं। गजब बेइज्जती है। ये आ गई जी हमारी गाड़ी। अभी पहले जी हम इसके पुराने वाले जो टायर है ना, उनका जो डेंसिटी है वो चेक करेंगे जी पहले, तभी तो मज़ा आएगा जी अपने को, पता चले कितने घिस गए हमारे टायर। बाकी ये रहा भाई का नाम, दैट कार गाय, ये लौंडा जबरदस्त है। इसमें लेंगे टायर जो को हम 285/60R18। सर जी ये है जी अपने टायर। एक बार जी मैं इसको अपनी गाड़ी के करंट टायर्स के साथ रख के दिखा देता हूँ कितना इनमें फ़र्क आने वाला है, फिर उसके बाद मैं बताऊँगा जी इसके बारे में। देखो जी टायर में साइड से तो ज़्यादा फ़र्क है नहीं, हाँ जी मैं बता देता हूँ जी, ये दोनों टायर, पहले तो जी पतला टायर था, ये चौड़ा टायर आने वाला है, दूसरा जो मैं बता रहा 285, पहले जो इसमें डले हैं वो है 265 जी, इसकी ये साइड होती है, दूसरा इसका नाम है जी 60। 60 क्या होता है, 60 इसको यहाँ से नापा जाता है, और R18 मतलब R बोले तो रिम 18, जो रिम है वो है जी इसका 18 का, तो ये इसकी पूरी तो पूरी क्या कह सकते हैं, पूरी कॉन्फ़िगरेशन है जी इस टायर की। तो जी देखते हैं अब क्या मज़ा आएगा, कैसा रहेगा। देखो डेफिनेटली जी एवरेज जो है वो तो थोड़ी कम होने वाली है इसकी, क्योंकि जो टायर है वो थोड़ा चौड़ा है, सड़क से चिपक के ज़्यादा चलेगा, बट जो फील है जी, सारा खेल जो है जी फील का ही होता है, तो जो फील है वो नेक्स्ट लेवल फील है जी इसमें। बाकी कल मैंने गाड़ी धुलवाई थी जी, उसके बाद से जी प्यार ही हो रखा है। ये भैया जी हमारे टायर खोल रहे हैं, ये है जी जिसकी वजह से सारा जी नुकसान हुआ है 75,000 रुपये का, तो कोई बात नहीं जी, अब हो गया जी, वियर एंड टियर है नॉर्मल। तो टायर लगवाने से पहले जी आई वॉज वेरी मच कन्फ्यूज कि कौन से टायर लगवाने चाहिए, मैं पहले वही लगवा रहा था जो थार में ऑलरेडी लगे हुए थे 265/60R18, लेकिन कुछ थोड़ा अलग करने का मन था, तो हमने इस बार वही सोचा कि जी वो तो ऑर्डिनरी टायर है, उसके तो मज़े ले लिए, अब ये लगवाएंगे, और मन किया तो जी आगे और थोड़े बड़े टायर लगवा लेंगे। तो जी मैंने क्या किया था ना, मैंने हर 5,000 किलोमीटर के बाद ना इसमें कैंची चलवाई थी, कैंची चलवाना मतलब वो नहीं, कैंची चलवाना मतलब जो इस साइड का ये वाला टायर था ये उस साइड पीछे पहुंच जाता है, जिससे जो गाड़ी जिस हिसाब से चलती है ना तो अलग लगती है, मतलब जो टायर घिसता है ना हमेशा एक साइड से घिसता है, इसकी वजह से ना टायर दोनों साइड से बराबर घिसता है, तो लाइफ जो है थोड़ी लंबी हो जाती है। तो अभी क्या है, कन्फ्यूज़न होगी कौन सा टायर जो है वो किस साइड का था, तो भैया एक एक करके हवा निकाल रहे हैं टायर की, जिससे पता चल जाएगा कि कौन सा टायर जो है वो कौन सी साइड का है। ये पहला जो है टायर तैयार हो गया है, अभी इसमें बस हवा भरी जाएगी। भाई
और तो भाव जी कैसी फील आ रही है जी? खुशी अलग ही आज तो। किसकी खुशी? ट्रिप पे चलेंगे। ट्रिप पे चलेंगे? अच्छा, इतना बड़ा हो गया, कब जाओगे और ट्रिप पे? बच्चे निकल जाएंगे एक दो दिन में। एक दो दिन में ऑफिस कौन जाएंगे? वही भाई वाली जेल से फरार। वो तो 10 अक्टूबर को होना था, वो तो हुआ नहीं। 10 अक्टूबर को नहीं हुआ तो बात नहीं हो जाएंगे। हाँ जी गौतम सर, कैसे लग रहे हैं टायर? बढ़िया बढ़िया। देख लो जी, 2 तो लग गए। हाँ क्या बढ़िया मजा है। ये है जी अपना नाम और ये है जी हमारा काम। जैसा मैं बता रहा था, 285 और 265 में क्या फ़र्क है जी? 285 जो है उसकी विड्थ इतनी ज़्यादा है और 265 जो है जो थार अपने हमेशा से अपने साथ देती है वो है 265, ये थोड़ी पतली है। सो ये डिफरेंस है, बेसिक डिफरेंस इन दोनों टायर्स में। आप देख रहे होंगे 285 कितना चौड़ा है और 265 जो है वो एक नॉर्मल सा टायर है जो थार के साथ कॉम्प्लीमेंट्री आता है। ऊपर से इसकी लेयर्स और इसकी लेयर्स, ये जो है ये इतना फ्लेक्सिबल नहीं है जितना फ्लेक्सिबल ये है। तो ये भैया हैं, भैया हमारे पास थार लेके आए थे। 3-5 जो टायर कंपनी तरह से लगे आते हैं हमारे, वो निकाल के इसमें हमने वाइट टायर डाले हैं 285/60/18 योकोहामा का। और लुक देखो टायर कैसी आई है, ज़्यादा पास आके बस लुक दिखा दो। और भैया से पूछो टायर गाड़ी पे कैसे जच रहे हैं। भाई लुक आ रही है एकदम मस्त। और अभी भैया ने बताया कि अब आप भगाने में भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ऑलरेडी हम इतनी भगा चुके हैं, लेकिन इसे देख के ना खुद से एक मोटिवेशन से आ रही है कि और तेज अभी गाड़ी भाग सकती है। और वो बोल रहे हैं कि गाड़ी जो है हिलेगी भी नहीं इधर उधर। इससे आपकी कंट्रोलिंग बढ़ जाएगी और ऊपर जो आपका पूरा लुक है गाड़ी का वो पूरा चेंज हो गया। और अब देखो गाड़ी कैसी लगी है। राइट, जबरदस्त। ओके ब्रदर, थैंक यू। तो जी अभी स्टेपनी रह रही है, स्टेपनी लगेगी उसके बाद ही हम यहाँ से निकलेंगे। तो जी गाड़ी हो गई है रेडी, अब थोड़ी सी जो है बैलेंसिंग तो जी पहले हो ही गई थी, अब अलाइनमेंट और सही हो जाएगा तो फिर चलाने में जी उतना ही ज़्यादा मज़ा आएगा। क्योंकि आज निकलना है जी वापस नोएडा के लिए। पहले तो मैं सोच रहा था जी नोएडा से लगवा लेता हूँ, बट फिर ये था कि अगर कोई दिक्कत आ जाती है तो बार बार नोएडा नहीं जाया जाएगा, अपने घर के पास ही सब मामला जो है वो ठीक है। क्यों जी? सही जी। तो कैसा लगा भाई लॉन्डो, कैसा एक्सपीरियंस रहा तुम्हारा? बहुत ही बड़ा एक्सपीरियंस। बाकी ट्रिप पर पता चल जाएगा। देखो जी मैंने स्पीति में दिखाया था टायर बहुत भारी होता है, भैया हमारे अकेले चढ़ गए, कह रही मैं इसी चढ़ा दूँगा। चलो भैया लो भाई, क्या बात, एक बार जी गाड़ी भगा के देखते हैं, मज़ा आया। चल भैया जा।